इशिता के किडनैप होने के बाद पूरा भल्ला परिवार जहां चिंतित है, वहीं रूही कुछ और ही सोच रही है। इशिमा के गायब होने पे रूही को शक होता है कि कहीं इशिता खुद अपनी किडनैपिंग तो नहीं कर रही, पर उसका शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो रमन और शगुन के साथ जज के पास जाती हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि अगर भल्ला परिवार में कोई हादसा या अनहोनी होगी तो उसका केस डिले हो जाएगा। हाँ, उन्हें तो एक्चुअल में तो किडनैप किया है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किडनैपर को लगा कि मैं मेरी जगह इशिमा को वो उठा के ले गए, क्योंकि हम दोनों ने सेम साड़ी पहनी हुई थी और हम दोनों एकदम सेम लग रहे थे, तो कन्फ्यूजन हो गया किडनैपर को और वो इशिमा को उठा के चला गया। और अब मेरा तो हमेशा से कुछ और ही चलता रहता है दिमाग में। हाँ, किसी ने उन्हें कोई किडनैप नहीं किया, वो जानबूझ के गायब हुए ताकि यहाँ पे मैं और थोड़े दिन रुक जाऊँ, क्योंकि जज ने बहुत क्लियरली कहा था कि अगर घर पे कोई मुसीबत आ जाती है तो जजमेंट की डेट्स पोस्टपोन हो जाएंगी। तो बेसिकली मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा बेटा, इसकी वजह से जानबूझ के चली गई ताकि मैं घर पे और थोड़े दिन रुक जाऊँ और जजमेंट का दिन और दूर चला जाता रहे। तो मैं सोचती हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। रूही की माने तो इसी वजह से इशिमा गायब हो गई ताकि रूही कुछ दिन और भल्ला परिवार में रह पाए, पर रूही है कि निधि के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। इस बात को लेकर नाराज रूही बरस पड़ती है रमन पर। आपको क्या लगता है, क्या ये इशिता की ही चाल है या फिर किसी ने साजिश की है इशिता के खिलाफ? कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।